तो चलो प्यार बच्चों इस वाले सवाल को देखो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है एक रजिस्टेंस आर जो है वो ड्रॉन द पावर पी वेन कनेक्टेड टू ए सी सोर्स तो अगर मैं एक सिंपल रजिस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ दिस इज द सिंपल रजिस्टेंस आर और अगर मैं किसी इसको ए सी सोर्स से कनेक्ट करता हूँ तो ये जो पावर पी यहाँ से कंज्यूम करता है इसमें करेंट फ्लो हो रहा आई तो यहाँ से पावर पी कंज्यूम कर रहा है ठीक है अब ये कहता है इफ ए इंडक्टर नाउ कनेक्ट इन सीरीज विथ रजिस्टेंस सर द इम्पडेंस ऑफ द सर्किट जेड नया पावर कितना होगा ये तो ये केस फर्स्ट था दिस इज द केस फर्स्ट ऑफ़ द क्वेश्चन सेकेंड केस में हमने क्या किया कि यहाँ पे के सेकेंड में मैंने इसी रजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर लगा दिया ये तो लगा ही था ठीक है इसके साथ एक इंडक्टर लगा दिए और एसी सोर्स इतना होगा तो अब ये सर्किट इस सोर्स से कितना पावर कंज्यूम कर रही होगी करंट डोंट नो अबाउट इट कितना फ्लो हो रहा होगा तो अब पावर पी डैस कंज्यूम होगा तो पी डैस को पी के टर्म में हमें कैलकुलेट करना है ये बात समझ में आ गया सबको तो सबसे पहले जो है एवरेज पावर का जो फार्मूला है एवरेज पावर का फार्मूला तो पावर एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस ठीक है ना आई आर एम एस आई आर एम एस का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आर ये तो पूरी सर्किट के लिए लगेगा ठीक ना तो ये तो जब इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस आर ही है तो आई आर एम एस यहाँ से तो आई आर एम एस जो यहाँ से लगाए हो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तो यहाँ से जो भी आर एम एस है वो ये एफ ये वोल्टेज एफसाइलिन एफ या ई इसको बोल दो तो यहाँ से तुम देखोगे ई आर एम एस यहाँ से ई आर एम एस का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई इस सर्किट का पहले वाले सर्किट का आई करेंट इज टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से आर तो एक आर से एक आर यहाँ से खत्म हो गया तो यह जाएगा ई आर एम एस ई आर एम एस जो है वोल्टेज का होल स्क्वायर अपॉन आर दैट इज द पावर पी इन द केस फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन इसको आ, इसको नहीं फर्स्ट बोलता हूँ मैं इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ और ये सर्किट फर्स्ट का पावर uh, है एवरेज पावर पी अब मैं दूसरे केस में बात करता हूँ इस सर्किट में तो इस सर्किट में दोबारा केस टू में मैं यही इक्वेशन अप्लाई करता हूँ पावर का तो एवरेज पावर पी डैश इज इक्वल टू आई आर एम एस ऑफ द सर्किट पूरे सर्किट का और पूरे सर्किट के यहाँ से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ठीक ना बात आ रहा समझ में पूरे जो सर्किट का वो रेजिस्टेंस इसका आर तो आई आर एम एस जो है अब ई e आर ए आ जाएगा वी आर एम एस या ई आर एम एस का होल स्क्वायर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इस बार जेड स्क्वायर आएगा और यहाँ से आर ठीक है ना तो अगर जेड स्क्वायर आर यहाँ से ये वाली जो चीज़ आ जाएगी तो एक काम करते हैं दिस इस इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू अब टू में मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ तो एवरेज पावर पी डैस अपान पी यहाँ से दैट इज यहाँ से ई आर एम एस का होल स्क्वायर और यहाँ से आर अपान यहाँ से जेड का स्क्वायर और यहाँ से जो आ जाएगा ई आर एम एस का होल स्क्वायर ठीक है ना पी की वैल्यू रख रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दूं आर से तो आर एम एस स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ से आर बाई जेड का होल स्क्वायर बच जाएगा मतलब जो एवरेज पावर सेकेंड में पीड डैश इसकी वैल्यू आ जाएगी पी आर ओवर जेड का होल स्क्वायर दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम ठीक है ना पी ओवर आर ओवर जेड का होल स्क्वायर दैट इज़ यहाँ से सी uh, ऑप्शन सही हो जाता है थैंक यू